अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज अमान में रखे और सैलाब में फंसे हुए लोगों की गैब से मदद फरमाए, क्योंकि वो लोग बहुत इस वक्त तकलीफ़ में हैं, दर्द में हैं। हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते उनकी तकलीफ़ का। तो अल्लाह ताला से दुआ करें आप सब लोग भी कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। हम लोग हमारे घरों में हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिनका सब कुछ पानी बहा के ले गया, उन लोगों का सोचें आपके वो लोग किस कदर तकलीफ़ में होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, उन्हें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो मैं यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं सफाई करने लगी थी घर की, तो घर देखे मेरा पूरा का पूरा बिखरा पड़ा है। तो जी मैं अपने रूम से ही शुरू कर रही हूँ। रूम मेरा देखें, सारा का सारा जो है ना वो इस वक्त तो बिखरा हुआ है। तो अभी शुरू करते हैं सफाई। और जी यहाँ पे हूँ मैं मेरे किचन में। तो किचन में नाश्ते के बाद कुछ इस तरह का हाल है। ये देखें पूरा का पूरा जो इस वक्त किचन भी है ना वो भी बिखरा पड़ा है। तो चले अब करते हैं शुरू। नाश्ता कंप्लीट हो गया था, तो चाय अभी जो है ना वो पेंडिंग पे है। तो चाय मैं इनको दे के तो उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सफाई घर की जो थी वो मैंने कर ली। तो जी घर वगैरह की सफाई करने के बाद किचन भी मेरा मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था। और यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ दूध गरम। तो अहमद ने फ्राइज़ की फरमाइश कर दी। अहमद कह रहा था मामा मुझे फ्राइज़ खाने हैं, बिकॉज़ मौसम जो है वो एकदम से ऐसे हो गया, आसमान पे बादल आ गए। तो जी दो तीन दफ़ा बारिश भी हो चुकी है, ठीक है, सेम दो तीन दफ़ा सफाई के बाद भी गीला हुआ है। लेकिन अब भी जो है ना वो थोड़ा बारिश का ज़ोर कम हुआ है। तो अहमद जो बाल कटवाने गया हुआ था, तो अभी आया तो कह रहा है मामा मुझे फ्राइज़ खाने हैं। तो मैंने उसके लिए आलू निकाले हैं और अब मैं उसके लिए फ्राइज़ बनाती हूँ। और दूध मैं बॉयल कर रही हूँ मेरी सास के लिए, क्योंकि उनका ऑपरेट हुआ है तो उनको चाहिए था, वो इस टाइम मांग रही थी, दूध मांग रही थी गरम गरम, तो उनके लिए मैंने दूध बॉयल किया है। तो जी यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया और इसको अब मैं दूध में ऐड कर दूंगी। और दूध में जो अंडा है ना वो वैसे भी इफ़ेक्टिव होता है, स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं उनको ये ज़रूर पीना चाहिए एक कप रोज़ एक अंडे के साथ, ठीक है। आप अंडा ले लें और एक कप दूध के अंदर उसको गर्म गर्म दूध के अंदर आप अंडे को जो है ना वो मिक्स करें तो वो आराम से पिया जाता है। इस तरह से कोई उसका टेस्ट जो है वो गंदा वगैरह वाला नहीं होता। तो ये अभी इस टाइम पे मैं इसको दूध में ऐड कर रही हूँ, ये चेक करें। अगर सिर्फ एक कप दूध में ही आप गर्म दूध में आप अंडे को मिक्स कर लें तो वो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर नहीं खा सकते कुछ लोग तो वो इस तरह से दूध में अंडे को पका लें। यहाँ पे मैंने जो है ना फिंगर चिप्स कट कर लिए हैं। तो अब इनको इनके ऊपर जो मसाला वगैरह लगाना है ना वो लगा के इनको मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो रहा है और यहाँ पे हमने अपने जो आलू हैं उनको कट करके उनको इस तरह से मसाला लगा लिया। इनमें मैंने नमक, सुर्ख मिर्च, जीरा और बेसन लगाया इनको और ये बहुत अच्छे से फ्राई होंगे। तो जी यहाँ पे अहमद का जो स्नैक टाइम है वो मैंने तैयार करके रख दिया। ये उसका स्नैक टाइम होता है, कुछ भी उसको चाहिए होता है, बिस्किट या कुछ भी। अहमद क्या खा रहे हो है? क्या खा रहे हो? फ्राइज। यम्मी। तो जी इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के लिए कोई अच्छा सा बड़ा ही बेनिफिशियल सा मौजू लेके मैं दोबारा आऊँगी। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।